हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। और ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, इसका ट्रिक क्या है आइए देखते हैं सलूशन में। स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल रेज टू 16। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने हैं यहाँ पर पावर्स और 16 के पावर क्या हो। तो ये जो फर्स्ट 16 है, इसके लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर है रूट ऑफ एक्स, तो रूट एक्स की मीनिंग होती है एक्स टू द पावर हाफ, एक हाफ आ गया यहाँ पर। तो ये 16 के लिए एक रूट अगर हमने पकड़ा फर्स्ट को, फर्स्ट 16, तो 16 रेज टू हाफ। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पर डबल रूट लगा दिया, डबल रूट ऑफ एक्स, देन यहाँ पर एक हाफ और आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ। तो इस तरह से सेकेंड 16 इन डबल रूट्स ईयर, यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 16 हाफ इंटू हाफ। दिस इज द ट्रिक। और एक रूट यहाँ पर और लगा दिया हमने, थ्री रूट्स हो गए, तो यहाँ पर एक हाफ और आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, दैट इज थर्ड 16। देर आर थ्री रूट्स, वी राइट हियर 16 रेज टू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, बट होल रेज टू 16 गिवन दिस 16 हियर। दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट दिस टर्म्स। अब इसके बाद क्या करना है, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस स्टेप। पहले तो यहाँ पर हम 16 के जो सभी पावर्स हैं इनको यहाँ पर देख लेते हैं। इफ ऑल द पावर्स, यहाँ पर क्या लिखना है, 16 रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 16, 1 upon 2 into 1 upon 2 1 upon 4 into 16 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, दैट इज 1 upon 8 होल रेज टू 16। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा दिया है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर पी, तो दिस विल बी ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस पी। दिस इज द फॉर्मूला। तो यूजिंग दिस ट्रिक फॉर ब्रैकेट टर्म्स, तो यहाँ पर इस टर्म को यूज करते हैं, 16 रेज टू हाफ प्लस 1 upon 4 प्लस 1 upon 8 होल रेज टू 16, यहाँ पर 16 लिख दिया। अब होल रेज टू 16 इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 4 8, एलसीएम ऑफ 2 4 8 इज 8, तो मेक ईच डिनोमिनेटर 8। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 16 रेज टू हाफ, हाफ को 8, यहाँ पर 2 को 8 बनाने के लिए, इंटू 4 upon 4 प्लस 1 upon 4, तो 1 into 2 upon 4 into 2 मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई टू प्लस 1 upon 8 एज इट इज होल रेज टू 1 होल रेज टू 16। अब इसके बाद यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अभी क्या करना है, आगे के स्टेप्स को देखने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 16 रेज टू 4 into 1, दैट इज 4 upon 8 प्लस 2 into 1 2 upon 8 प्लस 1 upon 8 होल रेज टू 16। ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो इसके आगे का टर्म है उसको फॉर्मूले को हटा देते हैं, अभी रिमूव द फॉर्मूला। इसके बाद अभी 16 रेज टू, तो दिस इज इक्वल टू 16 रेज टू 4 plus 2 plus 1 डिवाइड बाई 8 होल रेज टू 16, इट इज 16, दिस वन 16 एंड हियर 4 plus 2 plus 1, दैट इज 7, 7 upon 8 होल रेज टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 16। वॉट इज द फार्मूला, ए टू द पावर एम होल रेज टू एन इक्वल्स ए टू द पावर एम इन टू एन, दिस इज द फार्मूला। यूजिंग दिस फार्मूला हियर इट इज इक्वल टू a to the power m into n, using this formula here it is 8 into 2, 8 divides 16 divides by 8, so 8 to the 16 and it is equal to 16 raised to 7 into 2, 16 raised to 7 into 2 and it is equal to 16 raised to 7 into 2, that is 14. Now this 16 can be written as 2 raised to 4 whole raised to 14. Using this property again here, it is equal to
टू रेज टू फोर इंटू 14, तो दिस विल बी टू रेज टू 56 एंड दिस इज द आंसर। और दिस आंसर इज गिवन इन द ऑप्शन, जिस क्वेश्चन में जिस एग्जाम में आया था उसमें ऑप्शन यही है 2 raised to 56, तो इसका आंसर 2 raised to 56 जो है करेक्ट है। और भी इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग अमेजिंग क्वेश्चंस देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।